करोड़पति बनना तो सब चाहते हैं, पर कैसे बने इसका जवाब हर किसी के पास नहीं होता। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कम सैलरी में करोड़पति तो बनना चाहते हैं लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं जानते, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। करोड़पति बनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप लाखों करोड़ों कमाएं, जो सबके बस की तो बात नहीं है। दूसरा तरीका है मनी नाइन का आइडिया। भले ही थोड़ा कमाएं पर बचाएं जरूर और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आप छोटी रकम से अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकें। साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ मोटा नहीं बल्कि छोटा सा निवेश भी आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे? तो इस कैसे का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके कैसे आप बन सकते हैं करोड़पति, और वो भी आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है ₹1000। आसान है ना? तो सबसे पहले जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके हैं, लमसम या फिर सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक साथ एक मुश्त रकम इन्वेस्ट करते हैं। अब हर किसी के पास निवेश के लिए एक मुश्त रकम हो जरूरी नहीं है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सिप का रास्ता चुनते हैं। सिप आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप हर महीने या फिर हर 3 महीने में भी एक फिक्स्ड रकम म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कीजिए। सिप के जरिए आप 500 या फिर ₹1000 जैसे छोटी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। ये है म्यूचुअल फंड सिप की सबसे बड़ी खासियत। इस वजह से व्यक्ति पर फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ता है। म्यूचुअल फंड सिप में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, और कंपाउंडिंग की वजह से होता ये है कि आपकी निवेश की गई रकम पर आप रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। इस रिटर्न को वापस आप निवेश करते हैं और अगला रिटर्न आपको कंबाइंड रकम पर मिल जाता है। इस तरह से निवेश की अवधि लंबी होने पर आपका पैसा तेजी से बढ़ता जाता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा पाएंगे, और यही है कंपाउंडिंग का मैजिक भी। सपोज आपकी उम्र है 20 साल, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ₹1000 की सिप से निवेश शुरू करते हैं और आप 40 साल तक इसे कंटिन्यूड रखते हैं। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर हमें बताता है कि 12% के अनुमानित रिटर्न से जब आप 60 साल के होंगे यानी रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 1,18,82,420 रुपए का कॉर्पस जमा हो सकता है। वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म यानी आप जब लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो 15-16% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, और कई म्यूचुअल फंड स्कीम ने इस तरह का रिटर्न डिलीवर भी किया है। और अगर आपको भी अपने इस निवेश पर 15% का रिटर्न मिलता है तो ये आपका जो कॉर्पस है वो बढ़कर 3,14,00,000 रुपए को क्रॉस कर सकता है। वैसे अगर आप कम समय में करोड़पति बनाना चाहते हैं तो सिप की रकम को बढ़ाते रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके लिए बड़ी रकम की सिप सपोज 5,000 या 6,000 महीने निवेश करना अभी पॉसिबल नहीं है तो दूसरा रास्ता है स्टेप अप या टॉप अप सिप। स्टेप अप सिप के जरिए आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट 10-20% से बढ़ाते रहिए ताकि जल्दी अमीर बन सकें। चलिए इस स्टेप अप सिप को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी आपकी जेब अलाउ करती है कि आप ₹1000 की ही सिप कर सकते हैं तो आप ₹1000 से सिप शुरू कर देंगे और इस पर 20% का एक एनुअल स्टेप अप लगाएंगे, यानी आप हर साल अपनी सिप की राशि को 20% बढ़ाएंगे। तो 15% के अनुमानित रिटर्न को अगर मानकर चलें, 40 साल बाद यानी रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा हो जाएगी। एनुअल स्टेप अप से हर साल आपकी सिप की रकम 20% बढ़ती रहेगी, जिससे आप ज्यादा निवेश करके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो देखा आपने, करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाना नहीं है, आपको बहुत बड़ी रकम निवेश नहीं करनी है। कम सैलरी होने पर भी अगर आप निवेश की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। बस करना यह है, लगातार निवेश जारी रखिए, अपनी निवेश की रकम को बढ़ाते रहिए, तभी आप अपने अमीर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और एक और बात, आप अपनी इस फाइनेंशियल गोल तक जब तक ना पहुंचे तब तक आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है, बीच में नहीं रोकना है। कोई भी कार खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए बीच में अपने निवेश को स्टॉप करके उससे पैसे नहीं निकालिएगा, यानी आपको मेंटेन करना है अपने निवेश को लगातार बिना उसे तोड़े हुए। तो फिर करोड़पति बनने से आपको कौन रोक सकता है।